बात अब राहुल गांधी की करेंगे जिन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और ये निशाना साधा है दरअसल उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान, वहां पर बोलते हुए राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के मसले पर सरकार ने संसद को भी अंधेरे में रखा। राहुल ने जीएसटी पर भी गंभीर सवाल उठाए। डिसीजंस लाइक डीमोनेटाइजेशन व्हिच रिमूव्ड 86% ऑफ कैश फ्रॉम सर्कुलेशन ओवरनाइट and was carried out unilaterally without asking the chief economic advisor, the cabinet, or even parliament, imposes a devastating cost on India. The government's economic policies, demonetization, and a hastily applied GST have caused tremendous damage. Demonetization, a completely self-inflicted wound, caused approximately 2% loss in India's GDP. देश के बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं राहुल गांधी, तो सवाल वंशवाद का भी उठा, देखिए क्या जवाब दिया। एक्चुअली मोस्ट पार्टीज इन इंडिया हैव दैट प्रॉब्लम, सो डोंट गिव अस स्टिक बिकॉज मिस्टर अखिलेश यादव इज अ डायनेस्ट, मिस्टर स्टालिन इज अ डायनेस्ट, मिस्टर धुम्मल सन इज अ डायनेस्ट, सो यू नो इवन अभिषेक बच्चन इज अ डायनेस्ट, आई मीन दैट्स हाउ इंडिया रन्स। So don't get after me because that's how the entire country is running. By the way, last I recall, Mr. Ambani's kids were running their business, and that was also going on in Infosys, right? So it's that's what happens in India. But saying that, I do try to sort of change it in the Congress Party. वही मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ के उन्मादी और हिंसक होने के सवाल पर भी मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। सुनिए। वायलेंस एंड हेट्रेड डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द टास्क एट हैंड, लिबरल जर्नलिस्ट बीइंग शॉट, पीपल बीइंग लिंच्ड बिकॉज़ दे आर दलित्स, मुस्लिम्स किल्ड ऑन सस्पिशन ऑफ ईटिंग बीफ, दिस इज न्यू इन इंडिया एंड डैमेजेस इंडिया वेरी बैडली। अब जब बात हिंसा को लेकर उठी तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंसा का दर्द उन्होंने और उनके परिवार ने झेला है। वायलेंस विल नेवर गेट यू ए सॉल्यूशन एवर। आई मीन आई एम ए बिलीवर इन व्हाट महात्मा गांधी सेज। आई हैव लॉस्ट माय ग्रैंडमदर, आई हैव लॉस्ट माय फादर। If I don't understand violence, I mean, I'd have to be really ignorant. सोनाक्षी, एक विदेशी मंच था जहां पर राहुल गांधी को बोलना था, कई ऐसे सवाल थे जो उनसे पूछे गए, लेकिन यहां पर सवाल यह भी था कि किन मसलों पर उन्हें किस तरह से जवाब देना चाहिए था और कितना जवाब देना चाहिए था। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जंगल के राजा के कुछ ऐसे राज और कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। छोटे से